Assalamualaikum, क्लास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 11 हीट। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रेशर की इक्वेशन को। स्टूडेंट, प्रेशर की इक्वेशन है पी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय रो मल्टीप्लाई बाय मीन स्क्वायर स्पीड। ये प्रेशर है क्या, पहले इसके बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट, प्रेशर का मतलब होता है द फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई की जाएगी, हम उस फोर्स के इफेक्ट को उस पर्टिकुलर एरिया पर जो हो रहा है उसे नाम देंगे प्रेशर का। द फोर्स पर यूनिट एरिया नॉर्मली इज नोन एज प्रेशर। अब जो हम बात करनी है प्रेशर की, किस चीज़ के प्रेशर को डिटरमिन करना है, हमें बात करनी है गैस के मॉलिक्यूल्स के प्रेशर को डिटरमिन करना है। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट, उसके प्रेशर को डिटरमिन करने का मेथड क्या है, उसका मेथड ये है। सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि गैस के अंदर जो स्पेसिफिकेशंस है हमारे पास, गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, गैस कौन सी है, गैस किस वेसल में है, हम ये सब कंसिडरेशन पहले करेंगे। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, लेट अस कंसिडर एन मोल्स ऑफ अ परफेक्ट और आइडियल गैस फिल्ड इन वेसल ऑफ इक्वल डायमेंशन, एच इज equal to L, so that volume of the cube is L cube. Since gas molecules move randomly, therefore we resolve their velocities into rectangular component Vx, Vy and Vz respectively. So V equals to Vx plus Vy plus Vz, the total velocity S. तो स्टूडेंट, ये हमारी कंसिडरेशन थी। कंसिडरेशन के अंदर हमने कर लिया फर्स्ट कि हमारे पास एक क्यूबिकल वेसल है जिसके तमाम डायमेंशंस जो है एक बराबर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन भी एल है, यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन भी एल है और यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन भी एल है। तो इट मीन्स इसका जो वॉल्यूम होगा वो एल इंटू एल इंटू एल यानी एल क्यूब होना चाहिए। इसके अंदर जो गैस है वो आइडियल गैस है और आइडियल गैस के जो मोल्स हैं हमने कंसिडर किए, हमारे पास एन नंबर ऑफ मोल्स हैं। और हम जानते हैं इस पर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कि मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं। अगर मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बेसिकली हम उनकी वेलोसिटी को रिजॉल्व कर सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट के अंदर। हमने उनकी वेलोसिटी के डिफरेंट कंपोनेंट बनाए, एक कंपोनेंट का नाम है वी एक्स, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस, यानी हमने एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को अलग अलग इफेक्ट से हम उसको देखना चाह रहे हैं कि उसका एक्स डायमेंशन में क्या इफेक्ट है इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का, वाई डायमेंशन में क्या इफेक्ट है और जेड डायमेंशन में क्या इफेक्ट है। और ऐसा करने की वजह तो मॉलिक्यूल रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है, तो हमें तारे इफेक्ट को देखना पड़ता है। अब अगर हम वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी को लिखते हैं तो वेलोसिटी की वेक्टर फॉर्म ये होगी कि वेलोसिटी के अंदर तीन कॉम्पोनेंट आपने यूज करने हैं, तो वेलोसिटी इक्वल टू वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड। और अगर इसी का मैग्नीट्यूड लिया जाए तो मैग्नीट्यूड कुछ हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। तो ऊपर जो हम ये देख रहे हैं ये बेसिकली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है और आप इसे देख रहे हैं तो ये स्केलर रिप्रेजेंटेशन है। इन दोनों रिप्रेजेंटेशन के बाद हम जो एक और रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं वहाँ पर ये है, देखिए इसके ऊपर एरोज नहीं लगे हुए, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक बार लगा हुआ है। और हम किसी चीज़ पर जैसे यहाँ पर आपने डेरिवेशन में देखा था, यहाँ पर भी ऑलरेडी एक बार यूज हो रहा है, यहाँ पर भी, तो बार में बेसिकली मीन का साइन है। तो ये वेलोसिटी का मीन है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल टू मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस। तो हमने यहाँ पर मीन वेलोसिटी का टोटल किया, यहाँ पर सिंपल वेलोसिटी हमने ऐड कर रहे हैं। कंसीडर अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ गैस ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी vx फ्रॉम लेफ्ट फेस to the right face of the cube collide and bounce back. The Vx component of the velocity reverses while Vy and Vz remains unaffected. Hence the force exerted by the molecule can be written as the force equals to rate of change of linear momentum. इस शुरू हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, आप जानते हैं अगर आपके पास इवन वन मोल भी है तो वन मोल का मतलब भी आपके पास 6.010^23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ये एक मोल की आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन हमने तो एन मोल्स कंसिडर किया है, एन मोल्स में भी 2 मोल्स हो, 3 मोल्स हो, 50 मोल्स हो, तो हमारे पास इतने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं कि हम उसके अंदर एट अ टाइम सारे मॉलिक्यूल्स की मोशन को स्टडी नहीं कर पा रहे। तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल है, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स तो आइडेंटिकल है, सब मॉलिक्यूल के मासेस तो सेम है,
सब मॉलिक्यूल्स की मासेस सेम है, आइडेंटिकल है, अगर वो मासेस सब एक ही कंटेनर के अंदर है, तो हम बजाय सारे मॉलिक्यूल को एट अ टाइम डिस्कस करने के, हम यहाँ पर करने ये जा रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल को पहले स्टडी करने जा रहे हैं, और सिंगल मॉलिक्यूल का जो मास है वो एम है, और वो जिस वेलोसिटी से जाता है वो भी एक्स वेलोसिटी से जा रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी वो लेफ्ट से राइट की तरफ अगर जा रहा है तो उसकी मोशन कुछ ये है, मॉलिक्यूल इस तरह मूव करना चाहता है, उसकी वेलोसिटी वी एक्स, हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन में उसको मूव करवा रहे हैं। इट मीन्स दैट ना यहाँ पर वाई कॉम्पोनेंट में कोई चेंज आएगा और ना यहाँ पर जेड कॉम्पोनेंट में कोई चेंज आएगा वेलोसिटी के, क्योंकि आपकी जो मोशन मॉलिक्यूल की हो रही है, आप जो करवा रहे हैं मॉलिक्यूल की मोशन, वो मोशन बेसिकली एक्स डायरेक्शन में है, वाई और जेड डायरेक्शन में नहीं है। जब भी हमने लिखा कि वाई एंड जेड कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी दे आर रिमेन सेम, अब यहाँ जो फोर्स अप्लाई होगी, जाहिर सी बात है, जब मॉलिक्यूल हिट करेगा लेफ्ट फेस से राइट फेस से जाएगा तो उस दीवार से हिट करता है, हिट करते हुए कुछ फोर्स अप्लाई करता है वॉल पर, वो फोर्स कैसे फाइंड करें, तो फोर्स को फाइंड करने का तरीका है, फोर्स इक्वल वैसे तो एम ए है मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन फोर्स की रिप्रेजेंटेशन ये भी होती है कि फोर्स का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब कहने का ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे आप फोर्स कहते हैं। व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब मास और वेलोसिटी के जो प्रोडक्ट है, मास टाइम्स वेलोसिटी, इट इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम में अगर चेंज आता है तो आप वो चेंज कहते हैं किसकी वजह से आ रहा है, वो चेंज फोर्स की वजह से आ रहा है, अगर चेंज नहीं आता मोमेंटम में इट मीन्स फोर्स इक्वल टू जीरो होती है। तो हमें फोर्स को डिटरमिन करने के लिए मोमेंटम, उसके चेंज और विद रिस्पेक्ट टू टाइम पे बात करनी है। तो आइए पहले मोमेंटम फाइंड करते हैं। स्टूडेंट मोमेंटम का मतलब होता है दो चीज़ों का प्रोडक्ट, मास एंड वेलोसिटी। हम जिस मॉलिक्यूल को कंसिडर कर रहे हैं उसका मास एम है और इसकी वेलोसिटी जो हमने कंसिडर की है उसकी वेलोसिटी वी एक्स है, तो इसके मोमेंटम को आप कहेंगे एम वी एक्स। इनिशियल मोमेंटम मीन्स मॉलिक्यूल का ये वो मोमेंटम है जब इसने कोलिजन नहीं किया था वॉल के साथ, यानी अभी मॉलिक्यूल यूं जा रहा है दीवार की तरफ, इस वक्त जो वेलोसिटी है वो वी एक्स है, इसमें जो वेलोसिटी इसकी वी एक्स है, यानी दीवार की तरफ जाने वाला जो उसका मोमेंटम है वो एम मल्टीप्लाई बाय वी एक्स है। अब जब दीवार से पलट के वापस आता है कोलिजन के बाद, तो इसके मास और इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, बट प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इसकी जो डायरेक्शन वेलोसिटी की वो रिवर्स हो जाती है, पहले डायरेक्शन राइट साइड थी अभी डायरेक्शन लेफ्ट साइड पर है, तो इट मीन्स वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन में, तो आप कहेंगे यहाँ पे फाइनल मोमेंटम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, जबकि वेलोसिटी में चेंज क्यों नहीं आ रहा, उसकी वजह ये है कि हम यहाँ पर जो कोलिजन कंसिडर करते हैं वो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है, और इलास्टिक कोलिजन ऐसे कोलिजन को कहा जाता है जिसके अंदर मोमेंटम कंजर्व रहे और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहे। तो स्मॉल लेवल पर, माइक्रो लेवल पर आप जब बात करते हैं तो पार्टिकल्स अपने मोमेंटम और अपनी काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व रखते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो अपने डायरेक्शन को रिवर्स करती है, और उस रिवर्स डायरेक्शन की वजह से आप यहाँ पर माइनस साइन को यूज कर रहे हैं इक्वेशन के अंदर। अब हमने इन दोनों मोमेंटम को ये देखना है कि इन मोमेंटम के अंदर चेंज कितना आता है, ये तो दोनों मोमेंटम होगा, द मोमेंटम बिफोर कोलिजन, द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज कैसे निकाला जाए। तो हम फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, द वैल्यू ऑफ फाइनल मोमेंटम इक्वल्स टू माइनस एम वी एक्स एंड द वैल्यू ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज एम वी एक्स। आप इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस एम वी एक्स माइनस एम वी एक्स एंड आंसर इक्वल्स टू माइनस का 2mvx। ये आपने मोमेंटम के चेंज को कैलकुलेट कर लिया। अब मोमेंटम के चेंज के बाद हम यहाँ पर टाइम की बात करेंगे, उसके बाद हमें डेफिनेटली क्या मिल जाएगी, फोर्स। अब स्टूडेंट हमने मोमेंटम का चेंज निकाला माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय m इंटू वी एक्स। अभी हमें ये देखना है कि यहाँ पर टाइम इन्वॉल्व कितना हो रहा है, तो उस टाइम को कैलकुलेट करने का तरीका देखते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द कोलिजन एट द राइट फेस और वॉल ऑफ द कंटेनर इज, स्टूडेंट हम जानना चाह रहे हैं कि एक दीवार से कोलाइड करने के बाद दोबारा मॉलिक्यूल कितनी देर बाद आएगा उसी दीवार से कोलाइड करने के लिए। मीन्स दैट अभी उसने ए वन से कोलिजन किया, ए वन से वो ए टू पर जाएगा, फिर ए टू से वापस ए वन पर आएगा, ए वन से कोलिजन करने के बाद वो ए टू पर गया, फिर ए टू से ए वन पर आया,
यानी A1 से वापस पलटकर A1 पर आने में कितना वक्त लगा, हमें इस वक्त को जानना है। तो जानने के लिए सबसे पहले हमने कहा कि टाइम अगर कैलकुलेट करना है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। स्पीड जो है डिस्टेंस और टाइम का रेशियो है कि हाउ मच डिस्टेंस वी कवर इन अ पर्टिकुलर टाइम। एक टाइम के अंदर आप कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, ये स्पीड कहलाती है। तो यहाँ तो आपको टाइम डिटरमिन करना है, तो टाइम इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा कि डिस्टेंस कितना मॉलिक्यूल ट्रैवल करता है। तो आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल के जो कंटेनर था वो तमाम की तमाम उसकी जो डायमेंशंस थी वो इक्वल थी। मींस दैट स्टूडेंट्स के ये जो एक्स डायमेंशन है वो भी एल है, जो वाई डायमेंशन है वो भी एल है, और जो सेट है वो भी एल है। अब जब मॉलिक्यूल A1 से A2 की तरफ जाता है तो ये एल डिस्टेंस कवर करता है, और जब A2 से वापस A1 की तरफ आता है तब भी L डिस्टेंस कवर करता है। तो जो टोटल डिस्टेंस ने कवर किया वो कितना था, वो डिस्टेंस था बेसिकली L प्लस L विच इज इक्वल टू 2L। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कवर बाय द मॉलिक्यूल इक्वल टू 2L। अब हम डिस्टेंस के फॉर्मूले पर आए, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Vx मल्टीप्लाई बाय T। हमने कहा था डिस्टेंस कवर बाय द मॉलिक्यूल इक्वल टू 2L और साथ में Vx मल्टीप्लाई बाय T। इसके बाद स्टूडेंट हमने टाइम का फॉर्मूला बनाया। सो स्टूडेंट टाइम जो है इक्वल आया है 1/T इक्वल टू Vx बाय 2L। आप जानते हैं यहाँ पर टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/T और 2L यहाँ पर आपने डिवाइड में लिखा। तो ये बेसिकली आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली है कि एक सेकेंड के अंदर मॉलिक्यूल कितनी बार कोलाइड करेगा, 1/T। एज वी नो दैट फोर्स इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम इसी बात को रेट मीन्स डिवाइड बाय टाइम और लीनियर मोमेंटम चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखा आपने, जबकि चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ने कैलकुलेट किया था वो आया था -2 mvx और 1/T ये रेट ऑफ कोलिजन है बेसिकली। तो रेट ऑफ कोलिजन जो आपने डिटरमिन किया है वो है Vx बाय 2L। तो यहाँ पर रेट ऑफ कोलिजन की जगह आपने Vx बाय 2L, 2 और 2 यहाँ पर सिमिलर थे आपने कैंसिल कर दिया, Vx मल्टीप्लाई होंगे और आंसर आ जाएगा Vx का स्क्वायर। तो Vx इंटू Vx Vx स्क्वायर -mv2x डिवाइड बाई L, L यहाँ पर डायमेंशन है कंटेनर की। तो फोर्स इक्वल टू -mv2x डिवाइडेड बाई L, फोर्स एक्सर्टेड बाई मॉलिक्यूल ऑन अ वॉल। स्टूडेंट इस बात को समझते हैं पहले, देखिए नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव बेसिकली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये है कि पहले मॉलिक्यूल दीवार को हिट करता है, वो दीवार पर फोर्स अप्लाई करता है, जब वो रिटर्न वापस आता है तो वापस जब आएगा तो वो रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। तो इसका मतलब ये फोर्स दीवार ने अप्लाई की, यानी फोर्स यहाँ पर दो चीज़ों के दरमियान है, एक फोर्स मॉलिक्यूल दीवार पर अप्लाई करता है, फिर दीवार मॉलिक्यूल पर अप्लाई करती है। तो अगर मुझे दीवार की फोर्स मॉलिक्यूल पर जानी है तो मैं कहूँगा सेम फोर्स होगी, क्योंकि एक्शन रिएक्शन सेम होते हैं, बस डायरेक्शन जो है चेंज होगी। तो आपने माइनस साइन की जगह पर क्या लिखना है, प्लस साइन। तो mv2 डिवाइडेड बाई L। द अबव इक्वेशन इज फॉर द फोर्स अप्लाइड बाई सिंगल मॉलिक्यूल ऑन द फेस ऑफ द क्यूब। द फोर्स अप्लाइड बाई n मॉलिक्यूल्स विल बी सम ऑफ ईच मॉलिक्यूल। इसमें आपने सिंगल मॉलिक्यूल की फोर्स डिटरमिन की है, ये सारे मॉलिक्यूल की फोर्स डिटरमिन नहीं की। सारे मतलब कितने मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं, आपके पास तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमें इन सारी फोर्सेस को, सारे मॉलिक्यूल की फोर्सेस को ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कहा फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट मॉलिक्यूल F1, द फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड मॉलिक्यूल F2, F3 एंड सो ऑन, एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय n मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट फर्स्ट मॉलिक्यूल mv2x बाय L, अभी हमने फोर्स डिटरमिन की थी और फोर्स का आंसर आया था mv2x बाय L। देखिए सब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आइडेंटिकल है, मीन सबके मासेस एक बराबर है, सबके लिए जो डायमेंशन है कंटेनर की वो एक जैसी है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि सबकी जो स्पीड है वो डिफरेंट है। यही वजह है कि हमने पहले मॉलिक्यूल की स्पीड को v1x कंसीडर किया था, स्पीड ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल along x-axis, the speed of second molecule along x-axis, then third molecule, fourth molecule, last molecule का आपने n molecule का नाम दे दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर common देखते हैं। तो इसमें common क्या है, देखिए सब में n common repetition हो रही है, l भी repetition पे है, तो हमने m by l common लिया, तो रह गया v1x2, v2x2, v3x2, v4x2 और last में vnx2।
प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट वो है फोर्स डिवाइड बाय, आपने फोर्स को मालूम कर लिया सारे मॉलिक्यूल्स की एक्स डायरेक्शन में, अब आप इस फोर्स को डिवाइड करेंगे एरिया से ताकि आपको प्रेशर मिल जाए। और एरिया इक्वल होता है एल स्क्वायर, क्योंकि डायमेंशन जो है तमाम साइड्स की एक बराबर है और एरिया टू डायमेंशनल क्वान्टिटी का नाम है, तो एल इंटू एल जब करेंगे तो एल स्क्वायर बनेगा। तो आप एरिया की जगह पर एल स्क्वायर लिखेंगे और एफ यानी फोर्स की जगह पर आप ये जो सारे मॉलिक्यूल के फोर्स आपने फाइंड की थी आप इसको नोट डाउन करेंगे। तो स्टूडेंट फोर्स की जगह पर आ गया एम डिवाइडेड बाई एल वी वन एक्स स्क्वायर प्लस वी टू एक्स स्क्वायर प्लस वी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वी फोर एक्स स्क्वायर और लास्ट में वी एक्स स्क्वायर। और एरिया जो है वो एल स्क्वायर अपॉन में लिखा आपने, अब इसको सिंप्लीफाई किया आपने तो देखें ये एम डिवाइड बाई एल है, ये डिवाइड बाई एल स्क्वायर है, तो लेंथ और लेंथ स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होता है तो ये एल क्यूब बनता है। तो एम बाई एल क्यूब या आपने मॉलिक्यूल्स के प्रेशर को डिटरमिन किया, लेकिन प्रॉब्लम इस एक्सप्रेशन के साथ ये है कि इसके अंदर जो आप प्रेशर डिटरमिन कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन के अंदर जो मॉलिक्यूल मूवमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, आप वाई और जेड डायरेक्शन में मूवमेंट आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। तो अब हम यहाँ बात करेंगे वाई और जेड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। इफ एन बी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम देन एन बी इक्वल टू एन बाई एल क्यू। स्टूडेंट्स का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हम यहाँ पर फिक्स करते हैं, जैसे हमने एक मोल के अंदर फिक्स किया हुआ है कि एक मोल में 6.023 मॉलिक्यूल्स आते हैं, वैसे यहाँ पर एन बी है। एन बी का मतलब क्या है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल आ सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितने मॉलिक्यूल। अगर मैं आपको के एम टी के अकॉर्डिंगली बताऊँ तो के एम टी के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो मॉलिक्यूल की तादाद है वो 324.25 होती है, यानी अगर आपके पास वॉल्यूम यूनिट हो तो वहाँ पर मॉलिक्यूल की जो क्वांटिटी वो 324.25 है। हम उस स्पेसिफिक क्वांटिटी को नाम देते हैं एन बी का। तो वॉट इज एन बी, एन बी मीन्स द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय वॉल्यूम। यहाँ वॉल्यूम बेसिकली थ्री डायमेंशनल क्वांटिटी है, जैसे एरिया टू डायमेंशनल क्वांटिटी था लेंथ इनटू लेंथ, तो वॉल्यूम बेसिकली थ्री डायमेंशनल क्वांटिटी है लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, तो आंसर आ जाएगा लेंथ का क्यूब। सो एन बी और एन में क्या फर्क है, एन बी बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और ये स्पेसिफिक वॉल्यूम के हैं। और स्पेसिफिक वॉल्यूम मॉलिक्यूल कैसे निकाले जाते हैं, आपने दो चीज़ों को डिवाइड करना है एन को एल क्यूब से। और अगर मैं यहाँ से एल क्यूब को ड्राइव करूँ तो एल क्यूब का फॉर्मूला बच जाएगा, आपने रिप्लेस करना है एल क्यूब को एन बी से, एन बी को एल क्यूब से, तो एन डिवाइडेड बाई एन बी पुट इन इक्वेशन थ्री। अब आपने इक्वेशन थ्री में जहाँ एल क्यूब लिखा है आप इस एल क्यूब की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे एन बाई एन बी से। तो स्टूडेंट देखिए एल क्यूब की जगह पर आपने लिख दिया एन डिवाइड बाई एन बी। फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे देखिए डिवाइड फिर डिवाइड, यानी जो एन बी है वो डबल डिवीजन के बाद आ रहा है, और अगर कुछ डबल डिवाइड होती है तो उसका मतलब वो हमें रेसिप्रोकल करनी होती है। तो हमने एन बी को मल्टीप्लाई में लिख दिया एम के साथ, एम मल्टीप्लाई बाई एन बी, एम मल्टीप्लाई बाई एन बी, जबकि कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं आपने इसको इस डिनोमिनेटर के साथ लिख दिया वी वन स्क्वायर के साथ। अब ये करने के बाद स्टूडेंट हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपने नोटिस किया कि वेलोसिटी सारी प्लस हो रही है और डिवाइड एन से हो रही है, इसका मतलब ये है कि अगर हम सारे नंबर्स को ऐड करें और डिवाइड उनकी क्वांटिटी से करें इसे कहते हैं एवरेज या मीन कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर आप मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मीन कैलकुलेट करने का मतलब सारी वेलोसिटी को प्लस कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं जितनी वेलोसिटीज थी, अगर ये 10 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी थी तो डिवाइड बाय 10, 11 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी तो डिवाइड बाय 11, इस बात को हम लिखते हैं बार साइन से। तो बार का मतलब आप एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं किसका, वेलोसिटी का, लेकिन यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट करने के पहले एक काम ये किया गया था कि हर वेलोसिटी पे स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपने डायरेक्ट एवरेज नहीं कैलकुलेट किया, पहले स्क्वायर उसके बाद फिर एड उसके बाद आपने उनको डिवाइड बाय एड किया है, तो इसका नाम हम रखेंगे मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और स्टूडेंट स्क्वायर करने की वजह ये है कि जब आप वेलोसिटी कंसीडर करते हो तो वेलोसिटी यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हो सकता है नेगेटिव आए, हमें उन नेगेटिव वेलोसिटी को पॉजिटिव करने के लिए मैग्नीट्यूड कंसर्न करना है हमें कि मैग्नीट्यूड हमारे मॉलिक्यूल की हमारे सारे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी की का मैग्नीट्यूड क्या है, तो उस मैग्नीट्यूड को जानने के लिए हमने यहाँ पर इन पे स्क्वायर लगाया ताकि नेगेटिव वैल्यू कैंसिल ना हो। तो हमने वी वन एक्स स्क्वायर प्लस वी टू एक्स स्क्वायर प्लस वी थ्री एक्स स्क्वायर करने की वजह यह है कि नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरी वैल्यू है ये बेसिकली मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू है। एंड एम एन वी इक्वल टू रो, स्टूडेंट एम मीन्स मास ऑफ वन मॉलिक्यूल,
एन वी का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ यूनिट वॉल्यूम, तो मास और वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज नोन एज डेंसिटी, और डेंसिटी इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर रो। हम डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से, तो व्हाट इज रो, रो का मतलब है मास और वॉल्यूम का रेशियो, डेंसिटी ऑफ गैस। नाउ इक्वेशन फोर कैन बी रिटन एज, स्टूडेंट इक्वेशन फोर में आपने लिख दिया जहाँ एम एन वी आ रहा है, आपने एम एन वी की जगह पर लिख दिया डेंसिटी, क्योंकि हमारी इक्वेशन फोर कुछ ये बन रही थी कि हम लिख रहे थे प्रेशर इक्वल्स टू एम मीन्स मास था स्टूडेंट, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, जबकि यहाँ पर आपने देखा था कि हम यहाँ पे मीन कैलकुलेट करवा रहे थे, जब हम मीन कैलकुलेट करवा रहे थे तो हमने डिवाइड बाय एन किया था, यानी डिवाइड बाय एन करने की वजह टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था, और हमने यहाँ पर वेलोसिटी को सम कर रहे थे, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी थी वी वन एक्स, सेकेंड मॉलिक्यूल की स्टूडेंट वेलोसिटी थी वी टू एक्स, थर्ड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी थी वी थ्री एक्स एंड सो ऑन। हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, हमारे पास एन मॉलिक्यूल्स हैं, तो लास्ट मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी स्टूडेंट वी एन एक्स। लेकिन मैंने आपको पिछले स्लाइड में ये बात बताई थी कि यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी जो नेगेटिव वेलोसिटीज आएंगी उनको पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव करने के लिए आपने यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर भी आपने स्क्वायर, यहाँ पर भी आपने स्क्वायर कंसिडर किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं ये बेसिकली मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो हम इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पर हमें नज़र आ रहा है ये साइन नज़र आ रही है आपके पास, ये पूरा बेसिकली मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, और मीन स्क्वायर वेलोसिटी की जगह आपने बता दिया कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल होती है वी बार एक्स के। जबकि स्टूडेंट यहाँ आप जो देख रहे हैं ये बेसिकली लिखा हुआ है एम एन वी, और एम एन वी जो है ये कहलाता है डेंसिटी, और डेंसिटी के लिए हमने यहाँ पर रो का सिंबल बनाया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पी बराबर है रो मल्टीप्लाई बाय मीन स्क्वायर वेलोसिटी। लेकिन प्रॉब्लम स्टूडेंट ये है कि जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी सिर्फ एक्स डायरेक्शन का है, और हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मोशन रैंडम होती है, और अगर ये मोशन रैंडम होती है तो हमें वाई के वेलोसिटी वाले इफेक्ट को भी देखना है, और जेड में जो वेलोसिटी का इफेक्ट है उसको भी हमें कंसिडर करना है। तो अब बाकी इफेक्ट को देखते हैं, सिंस ऑल मॉलिक्यूलर स्पीड कॉम्पोनेंट आर इक्वली अलाइक, दैट इज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्स इक्वल्स टू द मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग वाई इक्वल्स टू मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग जेड। स्टूडेंट हमारी ये असम्पशन है कि हम यहाँ पर ये फर्ज कर रहे हैं कि जो उनका मीन होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा, यानी जब आप मीन वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे एक्स डायरेक्शन की वाई की और जेड की, तो अप्रॉक्सीमेटली इनके आंसर्स आपको सेम मिलेंगे। तो इक्वेशन वन हमने लिखी थी शुरू में वो ये थी कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल टू, ये हमने तीन अलग अलग डायरेक्शन के हवाले से ऐड किया था, वी एक्स स्क्वायर मीन का प्लस मीन स्क्वायर वेलोसिटी वाई कॉम्पोनेंट प्लस मीन स्क्वायर वेलोसिटी जेड कॉम्पोनेंट। हमने इस वेलोसिटी के अंदर अब ये आइडेंटिफाई करना है कि जो वेलोसिटीज थी पहले हमें नहीं, हमने अजम्पशन किया था कि हमारा अजम्पशन था कि वेलोसिटी डिफरेंट होगी। अब हमने यहाँ पर कहा कि जब मीन कैलकुलेट किया जाएगा तो मीन कैलकुलेट करते वक्त तकरीबन इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी इक्वल, मतलब बजाय मुझे वाई और जेड लिखने के मैं यहाँ पर एक ही बार एक ही सिंबल से इन सारी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो मैं वी वाई को भी वी एक्स से रिप्लेस करता हूँ और वी जेड को भी वी एक्स से ही रिप्लेस करता हूँ। तो मैंने वी वाई की जगह वी एक्स और वी जेड की जगह पर भी मैंने वी एक्स लिखा। अब वी एक्स मुझे थ्री टाइम्स आ रहा है यहाँ पर, तो वन प्लस वन यानी थ्री वी एक्स स्क्वायर। इक्वेशन फाइव के अकॉर्डिंग मुझे मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू क्या बनेगी, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू बनेगी वन बाई थ्री मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो अब आप अपनी इक्वेशन नंबर जो फाइव है स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन फाइव में मीन स्क्वायर वेलोसिटी नहीं लिखेंगे, और उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, आप उसकी जगह पर लिखेंगे पी इक्वल्स टू, देखिए रो एज इट इज है, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन का था वहां पर आपने क्या लिखना है 1 बाय 3 मीन स्क्वायर वेलोसिटी v। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि जो प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है, तो प्रेशर जो है आइडियल गैस का वो इक्वल होता है p इक्वल टू 1 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर आपको गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर फाइंड करना हो तो गैस के मॉलिक्यूल्स के प्रेशर को फाइंड करने के लिए आप कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, p
पी बराबर है 1/3 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए वैलिड है, और आइडियल गैस जो तमाम के तमाम गैस है उसको ओबे करती है उसे आइडियल गैस कहते हैं। अपने इस लेक्चर को स्टूडेंट यहीं पे वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है।